तक नहीं बनाई ऐसी अख रब ने नी जेड़ी मित्रां दे पढ़ ले इरादे गौरी नी। सो हे गाइस, की हाल चाल, सब तो फुली सारी कैट होवोंगे। व्हाई नोबडी कैन रिप्लेस सिद्धू मूसेवाला। वैसे तो इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सारे को ही हैगा, पर एक एक एक्सप्लेन आंसर चाहिए ना। एक है ना सिर्फ दिल तो कि उस बंदे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी, तो जो कोई उधर का बनना भी जाएगा तो उन्हें आप कह देंगे तुरदा हो, ठीक है। सो बाई ने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, आज चेक करते हैं की है नाले सानू आंसर मिल जूगा जो किसी ने कोई दसना हो कि तू एडा तगड़ा फैन क्यों है मूसेवाले का। पहला तो ये पहली गल तो यह मूसेवाले की कि जो जिद वालों मैं हाँ, मैं मैंने दो तीन गल्ला दस दिना। पहली लाइन जी मैंने सब तो ज़्यादा मूसे की बढ़िया लगती है, मतलब कि जिद करके मैं फैन हाँ, कि वह पतंदर ने ईन नहीं मनी किसी की, किसी थले झुकया नहीं, सब तो पहली गल, ठीक है। दूजी लाइन ये कि अपने मापियां नूं बहुत ज़्यादा प्यार करता ही, अपने जमीन नाल जुड़िया होया बंदा सी, ठीक है। तीजी गल उहनूं कोई नशे पत्ते का शौक नहीं, उहनूं हथियारां का, उहनूं गड्डियां का, उहनूं लोहे का शौक सी, ठीक है, ट्रैक्टरां का। वो चीज़ बड़ी घैंट लगती है। शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में पिंड मूसा में हुआ। खुद की पहचान बनाने के साथ साथ सिद्धू अपने पिंड को भी आगे ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रखा। अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत उन्होंने एज अ लिरिसिस्ट करी, जहां उन्होंने तब के मशहूर पंजाबी आर्टिस्ट निंजा के लिए लाइसेंस गाना लिखा जो काफी पॉपुलर हुआ। जहां सिद्धू अपने लिरिक्स सिर्फ 3,000 रुपए में बाकी आर्टिस्ट को देते थे, निंजा के गाने लाइसेंस की सक्सेस के बाद अब उनके लिरिक्स की वैल्यू 80,000 से भी ज्यादा हो गई। बट किसी को ये नहीं पता था कि ये सीधा साधा पिंड का लड़का जो 3,000 रुपए में गाने बेचता था, एक दिन सरकार को 24 करोड़ टैक्स देगा। अपनी 24 करोड़ टैक्स यानी कि 100 करोड़ साल की इनकम। शर्म आनी चाहिए यार साडे सिस्टम नूं, ऐसे बंदे दे एक्चुअल मर्डरर्स नूं जो बैक ते बैठे उन्हां नूं फड़ नहीं पा रहे यार। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके सिद्धू कनाडा चले गए, जहां उन्होंने एज एन आर्टिस्ट अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करी। उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज करा, बट एक्चुअल पॉपुलैरिटी और सक्सेस उन्हें अपने ट्रैक सो हाई से मिली, विच वॉज अ ह्यूज हिट अमंग्स पंजाबी ऑडियंस। उसके बाद उन्होंने अपनी डेब्यू एल्बम PBX1 रिलीज करी, जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट्स पे नंबर 66 पोजीशन तक पहुंची। अब एक छोटे से देख लो एल्बम काट दो सारी बिलबोर्ड बैठा ही अंदर। इनका लड़का आखिर बिलबोर्ड तक कैसे पहुंचा, लेट्स फाइंड आउट। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एंडिंग विल लिटरली मेक यू क्राई। नंबर 1, वॉइस ऑफ अ लायन। सिद्धू मूसेवाला की आवाज पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल आवाज थी। जहां बाकी आर्टिस्ट ऑटोट्यून के सहारे अपनी दुकान चला रहे थे, वहीं गानों को हिट करने के लिए फोटो देखी ना दिलाई सिद्धू की सिर्फ आवाज ही काफी थी। अपनी शेर जैसी अग्रेसिव आवाज की मदद से उन्होंने पंजाबी यूथ का दिल जीता, जिसकी वजह से उनके गाने बिलबोर्ड ग्लोबल 200 तक पहुंचे। बट सिर्फ आवाज ही नहीं है जिसकी वजह से सिद्धू ने इतना बड़ा नाम हासिल करा, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज एक्सेप्शनल लिरिसिज्म। अपने करियर की शुरुआत ही एज अ लिरिसिस्ट करके अनडाउटेडली सिद्धू के लिरिक्स का लेवल ही कुछ और था, इसीलिए निंजा, दीप जांडू और कई बाकी आर्टिस्ट ने सिद्धू के लिरिक्स पे गाने बनाए जो सारे सक्सेसफुल रहे। बट सिद्धू के लिरिक्स को असली पहचान उनके खुद के गानों ने ही दी, जिसकी वजह से बिलबोर्ड इंडिया सॉन्ग्स चार्ट में सबसे ज्यादा गाने सिद्धू मूसेवाला के ही हैं। बट सिर्फ भाई का कितने गाने, 40 गाने शायद, जिसकी वजह से बिलबोर्ड इंडिया सॉन्ग्स चार्ट में सब बहुत सारे गाने सिद्धू, वैसे डियर मामा वगैरह अजे तक पे ने यार, ठीक है। उस तो बाद मेरा नाम पिया लेवल स्कोर्ड ज्यादा गाने सिद्धू मूसेवाला के ही हैं। बट सिर्फ आवाज और लिरिक्स से कोई लेजेंड नहीं बन जाता जब साल में गाना ये आया हो। सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत, एंड आई मीन बहुत हिट गाने दिए हैं, जैसे कोट लेजेंड, 295 सेलिब्रिटी, केरल एवं रोड स्कूल, कैलेबूस, लास्ट राइट, सेम बीफ, तो चांद तक का, डेथ रूट, बैड फेला, उफ, ओए होए।
एंड डोंट फॉरगेट जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला दस मैनू किथे आई नहीं इज अ रीजन दसो दस दे नहीं रीजन भाई सिद्धू को गीता दी मशीन कहा जाता था इसी वजह से सिद्धू की एल्बम मूस टेप जिसमें 32 गाने थे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग एल्बम रही और स्पॉटिफाई टॉप चार्ट्स 2021 में एक लौती पंजाबी एल्बम रही बट द मेन रीजन सिद्धू के गाने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे इज बिकॉज सिद्धू ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ Which is revolutionizing Punjabi music with Western hip hop. No doubt, desi hip hop की शुरुआत Bohemia Paji ने करी, but desi hip hop को international लेके जाने का credit सिर्फ सिद्धू को ही दिया जा सकता है. Yes. Drake, जो दुनिया के सबसे popular singer है, वो भी Instagram पे सिद्धू को follow करते थे, and recently उन्होंने अपने concert करते थे नहीं करते हैं. पे सिद्धू के नाम की t-shirt भी पहनी थी to give respect to the late artist. वेस्टर्न बीट्स पे पंजाबी लिरिक्स का तड़का देके सिद्धू ने पंजाबी ऑडियंस को एक यूनिक साउंड दिया जिसकी वजह से उन्होंने पंजाबी ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाई फ्रॉम रिक रॉस टू जेसन डेरुलो टू स्वाय ली सिद्धू ने काफी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करी सम ऑफ विच ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है एंड कुछ रिलीज होने अभी बाकी है देयर इज नो डाउट कि जितनी सक्सेस सिद्धू ने सिर्फ 5 सालों में अचीव करी उतनी सक्सेस लोग अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कमा पाते बिल्कुल बिल्कुल भाई 24 करोड़ उन्हें टैक्स देता एक साल का ठीक है इधर 24 करोड़ पूरी जिंदगी जो बना लिया उन्होंने बहुत है किसी भी गाने को फेमस या वायरल करने के लिए सिद्धू की फेस वैल्यू ही काफी थी बट इवन आफ्टर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन एंड ह्यूज सक्सेस सिद्धू अमेरिका या कनाडा में किसी मिलियन डॉलर बंगलों में नहीं अपने घर पे रहते थे अपने माँ बाप के साथ एंड दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ शुभदीप सिंह सिद्धू सिद्धू मूसेवाला बिल्कुल सही है यार सिद्धू दिल से अपने देश अपने पिंड और अपने परिवार से जुड़ रखे थे जहां बाकी आर्टिस्ट अपना देश छोड़ के कनाडा सेटल हो रहे थे उसी कनाडा से वापस आके सिद्धू अपने पिंड में रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ इसीलिए करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी सिद्धू ने अपनी जेब में कभी पर्स नहीं रखा जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो अपने पापा से पैसे मांगते जैसे छोटे बच्चे मांगते हैं इतनी ज्यादा सक्सेस अचीव करने के बाद भी उनमें जरा सा घमंड नहीं था अक्सर वो पिंड में छोटे बच्चों साथ बैठ के उन्हें पढ़ाया करते थे यहाँ तक कि अपने पिंड की कुछ गलियों की मरम्मत उन्होंने अपने पैसे से करी जो दिखाता है कि सिद्धू अपने पिंड को बेहद चाहते थे अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिए और पैर छुए बिना सिद्धू बाहर नहीं जाते थे इसलिए हजारों धमकियों के बाद भी सिद्धू अंत तक अपने पिंड ही रहे अपने मम्मी पापा के साथ और एक अच्छे सिंगर के साथ साथ वो अच्छे बेटे और अच्छे इंसान भी थे आज सिद्धू को गुजरे एक साल से भी ज्यादा हो चुका है बट जब भी उनके गाने सुनते वक्त ये बात याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं चाहे सिद्धू हमारे साथ आज इस दुनिया में नहीं है बट हमारे दिलों में सिद्धू हमेशा रहेंगे सिद्धू ने हमारे दिलों में एक ऐसी जगह बनाई है जो शायद ही कोई नया आर्टिस्ट बना पाएगा इसलिए लाखों आर्टिस्ट आए थे और आएंगे बट नोबडी कैन एवर रिप्लेस द किंग ऑफ पंजाबी म्यूजिक सिद्धू मूसेवाला मारन शर्म नहीं आई यार एक बारी कही किनू मारता चार साल दे बच्चे तो लैके कोई 90 साल तक दा बुजुर्ग भी रो रहा है बस ये पता है कि एक मुंडा जिन्हें बड़ा वड्डा नाम कीता साडे मुल्क दा साडे पंजाब दा और मुंडा किते एक ठोक के कहिंदा मैं टिब्बियां दा पुत आ अपने पिछोकड़ अपनी सर जमीन से माण होना अपने पिंडा से माण होना बहुत अनोखी गल उन्हें की जो साढ़े पंजाब के मुंडे अपने शहर छड़ के बारे मुल्क वाल भज रहे थे उदो उन्हें जीवन जाच दसी लोगों पंजाबियों का जीवन जाच की होंगे G63 बुके रोड से कदे ना मठाने होंगे कदे बिल बोर्ड
ਓ ਮਾਮੇ ਕਰਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਨੀ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਨੀ ਦੱਸ ਕਰੂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨੀ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਨੀ ਯਾ ਬੇਬੀ ਯਾ ਬੇਬੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਆ ਮਾਣ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਕੜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਡੈਮ ਟਰੁੱਥ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ 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 ਫੈਕਟ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਣਗੇ ਬੜਾ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ